it for days. I've been out shining the hate. All of y'all want it for praise. Stuck in a phase. Let it and turn it a blaze. Yeah. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अदर ट्रकिंग व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो बेसिकली ये ट्रकिंग व्लॉग नहीं है, आप इसको कह सकते हैं ट्रकिंग व्लॉग भी, बिकॉज ट्रक में ही बैठा हूँ। तो लेओवर की बात करते हैं, मैं पहले लेओवर बताता हूँ कि लेओवर क्या होती है। तो लेओवर बोलते हैं जब हम किसी जगह पे डिलीवर करने जाते हैं लोड, और हम लोड डिलीवर करके उसके बाद हमें लोड पिक करके वापस जाना होता है कनाडा। और अगर हमें लोड नहीं मिलता, हमें एक दिन वेट करना पड़ जाता है। मतलब कि अगर आवर्स में अगर कैलकुलेट करें तो वो वेटिंग टाइम होता है, जैसे 3-4-5 आवर्स हो, उसको वेटिंग टाइम बोल देते हैं। तो वेटिंग टाइम की तो आपको समझ लग गई है। तो लेबर बोलते हैं जैसे हम 5-7 घंटे वेट कर रहे हैं और हमें एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए हैं, तो मतलब एक दिन को एक लेबर बोल सकते हो आप। अगर 2 दिन वेट करेंगे तो 2 लेबर, कि मुझे तो आज लेबर पड़ेगी, है ना। तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब ट्रैकिंग में हमें किसी जगह पे वेटिंग टाइम बढ़ जाती है, लेबर बढ़ जाती है, तो बंदा बहुत ज़्यादा बोर होता है, बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। अगर घर से भी फ़ोन आया, बंदा लड़ता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है बंदे में। ये पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर कहीं पास में जिम है, बंदा जिम चला जाए, शॉपिंग मॉल चला जाए, कोई ना कोई एक्टिविटी कर ले। ट्रक में बैठा लेटा बोर होता रहता है, तो मैंने अब ये डिसाइड किया कि मैं चलता हूँ शॉपिंग मॉल। यहाँ करीब में ही शॉपिंग मॉल है, तो उबर करता हूँ। तो पास में मैकडोनल्ड, यहाँ मेरे फ़ोन के सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। तो कैप मैंने इस वजह से पहनी हुई है, आप सोचे होंगे कि भाई कभी कैप पहन लेता है, कभी उतार देता है। तो इसकी रीज़न ये है कि 3-4 वीक हो गए हैं, मैंने हेयर कट नहीं करवाया और मेरे काफ़ी बाल बड़े हैं। तो पहले नंबर मुझे करवाना है हेयर कट, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक अच्छा सा वर्कआउट करेंगे, बिकॉज़ मॉल के पास में एक जिम भी है, तो वहाँ वर्कआउट भी कर लेंगे। निकलते हैं अब यहाँ से, उबर करता हूँ मैं, यहाँ नहीं मैकडोनल्ड जाके उबर करूँगा। 8-9 बजे मॉल बंद होगा, तो 8-9 बजे वापस आ जाऊँगा मैं, आके आराम से रेस्ट करूँगा और फिर कल सुबह लोड पिक करूँगा। अगर कल सुबह भी लोड ना मिला तो फिर कल सुबह देखेंगे, लेकिन जो आज है, आज का दिन करते हैं अच्छा सा स्पेंड। वैसे ये वाला ट्रक स्टॉप काफ़ी बिजी आपको नज़र आ रहा होगा, लोगों ने रस्ते के अंदर ही अपने ट्रक पार्क किए हुए हैं, किसी भाई को जगह ही नहीं मेरी। अभी दिन का टाइम है, रात के टाइम तो यहाँ मतलब गुजरने की जगह नहीं थी। लकीली अगर मुझे सुबह उठना पड़ता, ट्रक निकालना पड़ता, तो मुझे इन भाइयों को उठाना पड़ना था, भाई अपने ट्रक मूव करो, मुझे यहाँ से निकल। अच्छा वैसे एक चीज़ बताएं गाइज, आपको जो है वाइड एंगल लेंस अच्छा लगता है? काफ़ी भाई मैसेज करते हैं कि भाई जब आप व्लॉग बनाते हो तो वाइड एंगल में बनाया करो, तो इस टाइम वाइड एंगल नहीं, मैं वाइड एंगल करता हूँ। तो अब ये वाइड एंगल है, मतलब कि मुझे मैं अपना फ़ोन फुल क्लोज भी कर लूँ ना, तो काफ़ी चौड़ा फ्रेम होता है, वाइड एंगल हो जाता है। इसमें ये है कि सामने से जो क्लिप बनाते हैं वो अच्छे आते हैं, जैसे अब ये क्लिप है। तो जब फेस वाला क्लिप बनाओ ना अपनी साइड वाला, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, मुझे लगता है, पता नहीं अब आपको लगता है कि नहीं लगता। मैं तभी वाइड एंगल बहुत कम यूज़ करता हूँ। सो ये पीछे ट्रक स्टॉप है, और ये सामने डीलरशिप है ट्रक की, और इसकी बैक साइड पर मैकडोनल्ड है। सो ये सामने डीलरशिप है इंटरनेशनल ट्रक वालों की। इंटरनेशनल ट्रक ऐसा होता है लुकवाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ मैं मैकडोनल्ड की मैं ऑफर करने के लिए, बिकेज इनका फ्री वाईफाई है, मतलब US कनाडा में किसी भी रेस्टोरेंट पे फ्री वाईफाई होता है, आप जाके वहाँ बैठ के यूज़ कर सकते हो जितनी देर मर्जी, ये आपको कुछ नहीं कह सकते। सो ये रीज़न थी यहाँ आने की, वहाँ भी मैं कर सकता था लेकिन वहाँ पे इंटरनेट स्लो चल रहा था। सो अब उबर आ रही है, उसका वेट करो। सो आपके भाई की उबर आ गई, एक लेडी पिक करने आई है मुझे। सो उस साइड से मैं बैठता हूँ जाके। अमित, टेक केयर। तो गाइस ये जो ऊबर ड्राइवर थी, एक लेडी थी जो कि 55+ ईयर ओल्ड थी। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि US में इतनी एज की भी औरतें वुमेन जॉब करती हैं। गाइस अब आप देख सकते हैं वेदर, बारिश स्टार्ट हो गई है। 5 मिनट पहले धूप निकली थी और अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है वेदर का कभी भी चेंज।
एक ही शर्ट बाई की है, स्नीकर उस वाले स्टोर पर ज़्यादा अच्छे थे लेकिन वहाँ पे मेरे साइज़ के नहीं थे। सो अब एक और यहाँ स्टोर है, वहाँ जाके ट्राई कर। को बैक पे मेरी नज़र आ रही वही वाली स्नीकर शॉप जहाँ मैं सुबह गया था, लेकिन मुझे स्नीकर पसंद नहीं आए थे। लेकिन अभी मैं यहाँ से फिर गुजर रहा था तो मुझे एक स्नीकर पसंद आए हैं, तो उसको करते हैं बाय। और एक स्नीकर मुझे अपने भाई के लिए भी बाय करने हैं, बिकॉज नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, तो उसको वो स्नीकर काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा बाय कर लेता हूँ। और एक गुड न्यूज़ भी थी कि लोड मुझे मिल गया, तो लेकिन आगे जाना है मुझे एरिजोना में, मेक्सिको बॉर्डर के बिल्कुल पास में। तो सुबह मैं यहाँ से लीव करूँगा, बिकॉज मेरी जो लॉक बुक है वो भी रीसेट हो जाएगी। आप अभी देख सकते हैं यहाँ मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ। कैन आई सी? सो गाइस, ये स्नीकर है जिसकी मैं बात कर रहा था, और जो बाइक के लिए लेने हैं वो ये वाले हैं। सो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ अभी दोनों। सो जी, इसका जो दूसरा पेयर था उसको इन्होंने रैप करके रखा था, तो वो भाई उतार रहा है उसका रैप। So, दोनों इकट्ठे मैंने कहा पहन के चेक करने हैं तभी बाय करूंगा, नहीं तो नहीं बाय करूंगा। So, काफी पैसे लग गए हैं, अब यहाँ से कटिंग करवाता हूँ और कुछ स्नैक करके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे पोपाइज भी है, पोपाइज इज हलाल फूड। सो चिकन शिकन उनके सैंडविच अच्छे होते हैं, सो ट्राई कर। काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैंने बचपन में काफ़ी टेबल टेनिस खेली थी, यहाँ पे फ्री का मौका मिल गया खेलने के लिए। फैमिली है वो प्ले कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ मैं भी कर लेता हूँ। Today. Is it your first time in Colorado? Yeah, it's first time. Oh, how do you like it? Pretty good. Pretty good. You say you got 22. To be exact. I have 22. You have 22. Yeah, all right. I purchased two of them today. So you had 20 before today. Yeah. All right. So now it will be 24. 24. Okay. Yeah. So what types of shoes do you have? I love retro 4. The retro 4s. Yeah. Ooh, you got it like a shoe room or a shoe closet? So like a closet. Not a room yet. Not a room yet. Soon. Yeah, inshallah. Inshallah. So guys, आपको कोई difference लग रहा है इसमें? तो आप comment करके बता सकते हैं मुझे। So इन्होंने किया साफ। वहाँ पे fight हो रही है एक। So yeah, show me. You see that difference? Yeah, I can see. If you feel it, you're actually gonna see it is completely dry. It is. Yep. That's a complete dry clean for your hat. Guys, मेरी जो cap है वो brand new हो गई है again. Thank you so much for that. तो गाइस, ये बेसिकली शूज़ क्लीनिंग की छोटी सी दुकान कह सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट आया था तो मैंने नहीं परचेज किया, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट है। आप ये तो नहीं सोचिए कि मैंने हेयर कट क्यों नहीं करवाया। सो इसकी रीज़न ये है कि तो मैंने हेयर कट करवाना था, वो स्पाइक बढ़ता नहीं था, तो मैंने फिर सोचा कि बाल ख़राब कर देगा, इससे अच्छा है कि मैं नहीं करवाता। तो और जिम क्यों नहीं गया, इसकी रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा सामान है। सो वैसे भी मैं एक्सक्यूज़ कर देता हूँ कि थक गया था, टायर्ड था, इतना दिल नहीं किया। सो अब मैंने उबर किया, उबर आ रही है और चलता हूँ वापस ट्रक में। तो आपके भाई की उबर आ रही है, गैस करें कौन सी गाड़ी आपके भाई को पिक करने आ रही है। सो stay tuned guys. Homie, the dash is digital, gas residual, fire small like I'm leading a ritual. You bet my cash is on, I hit the gas, I'm gone, riding my wave. I've been stuck in my zone, I'm about to blast them all, sliding on faith. I've been finding my ways, grinding for days, I've been shining. देख सकते हैं 27 आवर हो गए हैं मुझे इस ट्रक स्टॉप पे स्लीप करते हुए। स्लीप तो नहीं मैं कर रहा था इतनी देर से। सो एनीवेज गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहां पे एंड।
आज आपके भाई के काफी पैसे लग गए हैं। पैसे लगा के तो हर बंदे को मजा आता है, लेकिन जब बंदा खुद मेहनत करके पैसे कमाता है और उस पैसे को स्पेंड करता है तो उसकी जो खुशी या सेटिस्फेक्शन कह सकते हो ये बंदा सिर्फ वही समझ सकता है। तो मैंने काफी बंदे देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें ये चीज बाय कर दो, ये चीज बाय कर दो। तो खुद मेहनत करो, अल्लाह ताला आप सबकी ख्वाहिशात पूरी करे। और मैं हर बार ऐसे नहीं करता, सो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किया, तो कल से मैं ट्रैकिंग व्लॉग स्टार्ट करूंगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।